नमस्कार। बिहार की राजनीति में महागठबंधन का बवाल और महागठबंधन का बिखराव रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए को रोकने के लिए बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर और विकासशील इंसान पार्टी ने मिलकर महागठबंधन बनाया था, लेकिन लगता है यह महागठबंधन बहुत दिनों तक टिकने वाला नहीं है। खास तौर पर महागठबंधन के लिए अगर कोई सबसे बड़ा सिरदर्द दिखाई दे रहा है तो वह है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी की मांग कभी कम होती नहीं दिखती। पिछले लोकसभा चुनाव में जीतन राम मांझी ने इस कदर बवाल मचाया कि उनके लिए राजद और कांग्रेस को अपनी कई महत्वपूर्ण सीटें छोड़नी पड़ गई। हम आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने पिछले बिहार विधान परिषद के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल पर दबाव बनाते हुए अपने पुत्र संतोष कुमार सुमन को विधान परिषद का सदस्य यानी कि MLC बनवा लिया। उसके बाद उन्होंने कई ऐसी सीटों की डिमांड लोकसभा चुनाव में रखी जिसने महागठबंधन को हैरत में डाल दिया, लेकिन मांझी दबाव बनाने में कामयाब रहे। खास तौर पर बात करें औरंगाबाद लोकसभा सीट की, बिहार की औरंगाबाद लोकसभा सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती थी, जहां से बिहार के पूर्व CM सत्येंद्र नारायण सिन्हा और उनके पिता अनुग्रह नारायण सिन्हा और उनके पुत्र निखिल कुमार सिंह की यह सीट मानी जाती थी। उस सीट से इस परिवार के सभी लोग लगभग सांसद रह चुके थे, लेकिन जीतन राम मांझी ने ऐन समय पर निखिल कुमार के उम्मीदों पर और कांग्रेस के उम्मीदों पर पानी फेरते हुए औरंगाबाद लोकसभा सीट अपने नाम कर ली। हालांकि उनकी पार्टी का उम्मीदवार एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सका। स्वयं जीतन राम मांझी गया लोकसभा सीट से चुनाव हार गए, लेकिन जीतन राम मांझी की ख्वाहिशें हैं जो पूरी होने का नाम ही नहीं लेती। अब संतोष कुमार सुमन अपने पुत्र को MLC बनवाने के बाद उनकी एक और रणनीति है कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। वो लगातार राजद पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी इसी दबाव बनाने की रणनीति के तहत जीतन राम मांझी पूर्व CM नीतीश कुमार से कल उनके आवास पर मिलने पहुंच गए। अब इसको लेकर तरह तरह की राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई। जीतन राम मांझी का कहना है कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर उनसे नीतीश कुमार से मिलने गए थे, जबकि उनकी पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान का कहना है कि जब दो राजनीतिक लोग मिलते हैं तो राजनीतिक चर्चा होती ही है। लेकिन हकीकत तो यह है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं। वहीं NDA की ओर से जीतन राम मांझी को चारा भी दे दिया गया है कि अगर वो एक बार फिर से JDU का या NDA का हिस्सा बनते हैं तो उनके पुत्र संतोष कुमार सुमन को बिहार की नीतीश कुमार की सरकार में कैबिनेट मंत्री का ओहदा दिया जा सकता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है ये तभी पता चलेगा जब बिहार में अगला मंत्रिमंडल विस्तार होगा। हम उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द ही बिहार में एक नया मंत्रिमंडल विस्तार देखने को मिल सकता है, जिसमें जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन नीतीश कुमार की सरकार में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में एक और नए बदलाव की दस्तक होगी। धन्यवाद।